बजाए तालियां भी वही बजा सकते हैं जिससे आप बजवावे। जीटी रोड स्थित संभाल का निरंकारी समागम स्थल पर 2 अप्रैल से 25 अप्रैल तक चलने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से 48 टीमें पहुंची। यह प्रतियोगिता पिछले 20 वर्षों से निरंकारी समागम मंडल की ओर से आयोजित कराई जाती है। इस बार कोरोना महामारी के चलते पहले सभी खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट किया गया, वो पॉजिटिव पाए जाने वाले खिलाड़ियों को वापस भेजा गया। सभी टीमों के लिए अलग अलग क्षेत्र में रहने की व्यवस्था की गई है और कोरोना की गाइडलाइंस का सुचारू रूप से पालन किया जा रहा है। टेस्ट हुआ है और जो पॉजिटिव पाए गए उनको वापस भेजा गया और जो टीम्स हैं उनको भी यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में रखा जा रहा है और सभी को हैंड सैनिटाइजेशन सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रेरित किया गया। आपने देखा मास्क भी यहाँ पर सभी ने लगा रखे हैं तो पूरा उसका ध्यान किया जा रहा है। निरंकारी मंडल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राकेश ने जानकारी देते हुए बताया कि खेल का उद्देश्य मानवता का प्रचार प्रसार करना है और हमारे जीवन में आपसी प्रेम भावना का उजागर हो। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में अनुयायी निरंकारी मिशन के नौजवान हिस्सा लेने के लिए हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सहित अन्य क्षेत्रों से पहुंचे हैं। प्रतियोगिता का समापन 25 अप्रैल को होगा जिसमें विजेता टीमों को सम्मानित किया जाएगा। ये जो आज क्रिकेट टूर्नामेंट शुरुआत हुआ, ये 21वां निरंकारी बाबा गुरुभद्र सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट है जो 20 साल से लगातार चल रहा है और संत निरंकारी मंडल के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य वही है कि हम मिल करके जीवन के हर पहलू को एकत्व के आधार पर जिए भी और खेले भी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे वो हमारे पारिवारिक जीवन हो, तो उस आधार पर इस खेलों का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें सर कितनी टीमों ने हिस्सा लिया और कहां कहां से टीमें आई हुई है? ये लगभग पूरे भारत से ही टीम्स आई हैं और 48 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया है, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, और लगभग 23 दिन ये गेम्स चलेंगे जिसमें 16 ग्रुप्स के अंदर इनको डिवाइड किया गया है और उसके बाद 16 टीम्स में से जो विनर्स होंगे वो फिर प्री क्वार्टर फाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स की तरफ बढ़ेंगे जो 25 दिन को फाइनल होगा। सर जो ये टीम्स हैं इनमें जो भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं वो किनसे रिलेटेड है? उसमें लगभग सभी निरंकारी मिशन के अनुयायी नौजवान ही हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट।